जो सबसे मुद्दा छाया वो छाया हुआ है एग्जिट पोल्स का। हर चैनल जहां भी आप देखें सिर्फ एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना या मेरा प्रश्न यही रहेगा, क्या एग्जिट पोल वाकई सटीक बैठे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है आज हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी, जो फॉरवर्ड युवा नेता है, साथ में ज्योति प्रचंडा, सहारा समय के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार। तरनजीत जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या वाकई एग्जिट पोल सटीक बैठते हैं? जितनी तरह से मेरा ये पॉलिटिकल कैरियर है और जब तक जो आज तक मैंने देखा है जी। एक आध बार किसी का तुक्का ठीक लग गया हो तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज 99% ये एक सट्टा बाजार है जी। ये एक बिजनेस है, ये व्यापार है, जिसका गलत भी साबित हो जाओ उसको भी अगली बार काम मिल जाता है जी। और खुद प्रधानमंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने ये खुद कहा कि जिस दिन उन्होंने ये आए तो ये उनकी जो उनके बारे में बोला गया था वो सारा गलत साबित हुआ और सट्टा बाजार को बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, किसी पार्टी को कोई चीज़ सूट कर रही है, किसी को कोई सूट कर रही है, वो सबके हिसाब से आप देखो तो व्हाट्सएप ग्रुप बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको एक बाजार भरा पड़ा है, क्योंकि आज इलेक्शन ख़त्म हो गया तो अब क्या चलाना है जी। तो वो लोगों अपने व्यूअरशिप को एंगेज रखने के लिए मैं समझता हूँ, या लोगों को एक जगह कोई अच्छी खबर है नहीं, कोई पॉजिटिव खबर है नहीं, तो एक वो एक वो देगी है, दे दी जाती है, जैसे वो देते थे ना पजल जी, जी, ये पजल दे दिया हाथ में कि आप करो, अब थोड़ा सा हमने बोल दिया जो बोलना था, अब आप खुद सॉल्व करो। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए थिंग, जिससे हम मुझे नहीं लगता ये कहीं सच्चाई के नजदीक है। जब जब जी, पोल्स का रिजल्ट निकला है तब तब इन्हीं एंकर्स की, इन्हीं न्यूज चैनल्स की, इन्हीं चैनल्स की भाषा बदली है, लोगों ने साइलेंट वोट के बारे में बताया नहीं, फिर इनकी भाषा बदल जाएगी, फिर इनको उसी मुंह से कुछ और वाला लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ेंगे और फिर बोलेंगे देखें जी इस बार ये नहीं हो पाया, ये फैक्टर आ गया, ये फैक्टर आ गया, वो नहीं चला, ये नहीं चला, इस बार ये नहीं। सो इस तरह की बातें, बाजार फिर दोबारा गर्म होगा, दो दिन और एक बाजार नया खुलेगा और उसमें ये विश्लेषण किया जाएगा क्यों हार गया कोई, क्यों जीत गया, इसमें ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ज्योति जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और ये एग्जिट पोल्स वाली कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, क्या ये सिर्फ बिजनेस ऑपरेंटी है या एक वाकई कुछ विश्लेषण किया जाता है मार्केट जाकर? विकास, पहले इस तरह का आंकलन करने वाली जो एजेंसीज थी जी वो बहुत कम होती थी जी, कुछ एक चुनिंदा थी, कुछ चैनल्स अपने लेवल पे करते थे और कुछ चैनल एजेंसीज को दे देते थे जो इसका विश्लेषण करती थी, जो पूरा जेन्युइन तरीके से इसको लोगों में जाके एक पोलिंग सी देखते थे, अपने ओपिनियन लेते थे और उसके बाद उस आधार पर ये बात करी जा रही थी। अब जैसे टोनी जी ने अभी कहा कि पिछली बार किसी का विश्लेषण सही नहीं था, लेकिन आप कुछ एजेंसीज ऐसी भी थी जिन्होंने बिल्कुल सटीक बताया था और मात्र कुछ ही 1-2% ही ऊपर नीचे हुआ और ये हुआ है। आज जो इस जिस दौर में हम चल रहे हैं, निसंदेह अब बहुत लोग इस व्यवसाय से भी जुड़ गए हैं, निसंदेह बहुत अधिक चैनल भी आए हैं और सभी का इस बार जो हम एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, जो उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, लगभग सभी का एक सा ही है, लगभग कोई 300 से 10 कम बता रहा है, कोई 10 अधिक बता रहा है और सिर्फ चाणक्यज ही ऐसा है जो 340 बता रहे हैं एनडीए को। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत भी होगा, आप 10% अलग मान लें, 20% सभी का मत एक जैसा नहीं हो सकता ना, सभी ने अलग अलग एजेंसी से करवाए हैं, आप टाइम्स नो को देख लीजिएगा, आज तक को देख लीजिएगा, चाणक्यज हैं, जी न्यूज़ का अपना है, सबके जितने भी आपने देखे होंगे सभी के लगभग 300 से 10 कम या 300 से 10 अधिक हैं जी। तो 10-15% भी अगर कम हो तो लगभग इस बार का मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जिट पोल सही है और इनकी राय भी यही रहेगी। निसंदेह ये लोगों को व्यस्त जरूर रहते हैं कि सभी चैनल अब एक ही भाषा बोल रहे हैं। मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ कि अगर ये कल को हट जाएंगे तो इस पर विश्लेषण होगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमने जो एग्जिट पोल में ऐसा क्यों हुआ और अब ऐसा कैसे हो गया। निसंदेह ये एक चर्चा का विषय होगा, तो ये भी तो एक न्यूज ही है। आज आकलन ये है कि मोदी सरकार जो है 300 के लगभग सीट से ले रही है, कल को अगर ये नहीं होती है तो निसंदेह ये भी खबर है और न्यूज चैनल तो खबर ही दिखाते हैं जी, जी।
मेरा एक मानना ये है, हमारा आखिरी चरण से पहले, आखिरी चरण के इलेक्शन से पहले जी। आप देखिए कि क्या परिभाषा थी सबकी, कि कहीं कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है मोदी साहब की, अगर ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं होती तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, अब कुछ बेचने को आ गया है, चाहे उन्होंने सेना को बेचा है, चाहे जैसे भी है, ये है वो है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा छाया रहा थोड़े दिन के, भाई वो एक तरफ टिल्ट हुआ पड़ा है, दे आर नॉट एक्टिंग एज ए वॉच डॉग, फेयरली काम नहीं किया है, एक वो मुद्दा छाया रहा, फिर उसके बाद आप अचानक सातवें चरण के इलेक्शन तक आप ये कह रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल मीडिया जितना भी था, चाहे वो गोदी था, चाहे वो मोदी था, चाहे जो भी मीडिया था जी, जी। तो वो सारे के सारे ये कह रहे थे कि थर्ड फ्रंट की हेल्प के बगैर सरकार नहीं बनेगी जी। आखिर क्या हो गया आखिरी चरण के बाद कि एकदम सीधा वो हो गया कि कौन सी लहर चल रही, कितनी 60 सीटों में इलेक्शन हुआ लास्ट में जी, 59 के करीब जी। तो आप मुझे बताइए क्या एक ऐसा हो गया रातों रात के सारे चैनल एकदम चैनल ऊपर बढ़ा गए। पहले मैं मेरी किसी से महाराष्ट्र में बात हो रही थी, वो कह रहे थे शिवसेना और बीजेपी कंबाइंड हम 29 से 30 सीटें गिन रहे हैं जी। तो कहा वो खुद हैरान है कि हमारी कल 40 और फिर 45 भी दिखाने लग पड़े, कैसे होगा ये, मतलब वो भी दे फेल टू अंडरस्टैंड हाउ विल इट हैपन। देखिए अब देखो टोनी जी, चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं है? अब इस तरह के एग्जिट पोल, पहले चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन एग्जिट पोल पे रोक इसीलिए लगाई थी कि एक तरफ की वेव सभी चलाकर कुछ जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ प्रभावित ना करें, लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, सातों चरण मैं वही कह रहा हूं, मैं इसीलिए मेरा कहना यह है, किसी को अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी एग्जिट पोल हैं तो उनको क्या फायदा होने जा रहा है इससे कि अगर सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो इससे किसकी सरकार बने हम इसमें नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बने, थर्ड फ्रंट की सपोर्टेड बने मुझ पर, लेकिन मैं आज भी एक ओपिनियन जो फेयर ओपिनियन जो तकरीबन हर जगह से निकल के आ रहा है कि थर्ड फ्रंट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन एक बात है, क्योंकि आप किसी भी सूरत में देखो, आप कहीं भी देखो, अगर आप यूपी देखो, यूपी में नुकसान नजर आ रहा है, हम अगर नुकसान ही नुकसान गिने तो वो नुकसान ही नुकसान पूरे हिंदुस्तान की हर सीट को एक एक करके गिन लें, हर स्टेट को एक एक करके गिने तो वो तकरीबन 100 से ऊपर तो सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी का। लेकिन फिर भी होती है कि अगर हम इसको सही नहीं मानते, अगर हम जैसे कह रहे हैं एग्जिट पोल सही नहीं है और अगर ये सही नहीं निकलता या थर्ड फ्रंट सरकार बनाती है तो वो तब ये कहा जाएगा लोकतंत्र सपोर्टेड बाय थर्ड फ्रंट, तब ये कहा जाएगा लोकतंत्र की जीत है। लेकिन क्या ये कहा जाएगा अगर ये सरकार बनती है, क्या ये एक नया मुद्दा नहीं आ जाएगा कि जितने भी एग्जिट पोल हैं या ये बिके हुए हैं या ईवीएम हैक हो गई। देखें जो इलेक्शन कमीशन का अभी तक का रवैया रहा है उसमें कोई निस्संदेह ये बात उभर के सामने आई है कि उन्होंने जब भी कोई कंप्लेंट प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आई, अमित शाह जी के खिलाफ आई, दे डिड नॉट एक्ट जी, एक्ट करना तो छोड़िए, दे डिड नॉट एक्ट, दे रिफ्यूज टू एक्ट एक्ट, तो उन्होंने बिल्कुल क्रिटिकल, अब लवासा जी ने तो बिल्कुल ओपनली आके कह दिया कि मेरे ही कंसेंट नहीं थी, तो इवन देन यू वेंट अहेड विद, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि एक जब मेरा कहता राइटिंग बोर्ड में जाना चाहिए कि मैं इन आपके फैसलों में मेरी सहमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर तीन या चार लोग हैं तो हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा मतभेद नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। मैं फिर भी मैं ये कह रहा हूं टीएन सेशन के बाद जी आपने देखो कि उसके बाद कुछ ही लोग जो है आगे चला पाए उसको फेयरली, नहीं तो अदरवाइज तो आप इस तरह का इलेक्शन कमीशन, जैसे उन्होंने पूरा रूट चार्ट पहले प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपको कैसा सूट करता है, तो फिर उसके बाद आपका पूरी इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुई है, वैसे ही अनाउंस हुआ है। सो आप कहीं ना कहीं देखें तो ये नजर सुभर के ये आता है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जब अब जैसे आप कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है या ईवीएम में कुछ कहा जाता है इल्जाम लगाया, दिल्ली में जब आप आम आदमी पार्टी ने इतना बहुमत हासिल किया, पंजाब में कांग्रेस सरकार आई, क्या वहां ये नहीं, मैं ये कहूंगा कि अभी अभी एक मत और उभर के बड़ा स्पष्ट तरीके से सामने आ रहा था कि अब आप देखिएगा कि जो ही ये इलेक्शन का ये प्रक्रिया खत्म हुई है तो एंगेज करने के लिए भी तो ये एक बात है ही है, लेकिन अपनी व्यूअरशिप को एंगेज करने के लिए दूसरी ये बात कह रहे थे कि ये
इसलिए भी एकदम हाइक करवाई गई जो मोदी मीडिया है उसके थ्रू के अपोजिशन का जो थर्ड फ्रंट है वो इकट्ठा ना हो पाए, वो इकट्ठा ना हो पाए ताकि उनकी बारगेनिंग एक अच्छे तरीके से हो सके कि तो हमारी तो मेजोरिटी आ रही है, आप बताइए आप कहां जाना चाहते हैं। तो दूसरा भी मीडिया हो या मोदी मीडिया, जिसको भी आप कह रहे हैं, सभी की राय एक ही है। मैं कह रहा हूं ना, तो कोई है Somebody is trying to play safe इस वक्त, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखें अभी मीडिया पे विश्वास वो नहीं रहा जैसे पहले जमाने में होता। हम इस चीज को छोड़ दे, अगर हम सिर्फ यही बात करें, जैसे आपने कहा कि थर्ड फ्रंट एक मेजर रोल प्ले करेगी, क्या लगता है आपको क्या रोल होगा उसका? क्या वो आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या वो सिर्फ अपने ही सरकार बनाना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का एक बयान ये वाला आना कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भी समर्थन दे सकती है, तो मैं कहता हूं इसमें एक बहुत बड़ी बात है, तो थर्ड फ्रंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो भी आगे सामने आए। मानते हैं कि कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार हैं वो इतने काबिल नहीं है कि थर्ड फ्रंट में काबिल की बात नहीं हुई, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पद अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ देता है। बयान था गुलाम नबी आजाद साहब का कि हम इस पद को छोड़कर भी, इस अहम को छोड़कर भी हम नॉन बीजेपी सरकार के लिए बात से समर्थन देकर किसी की भी सरकार बना सकते हैं। तो क्या लगता है आपको थर्ड फ्रंट में कौन ऐसे कद्दावर नेता हैं जो पीएम? देयर आर पॉसिबिलिटीज लाइक देयर आर मेनी लीडर्स, ममता बनर्जी, उसमें क्या खराबी है आप मुझे बताएं? ऑनेस्टी के ऊपर कोई ममता बनर्जी का नाम उससे ऊपर बताएं कहीं? मैं उसलिए कह रहा हूँ, आई डोंट बिलोंग टू दैट पार्टी। अगर मैं कह रहा हूँ जो लोग आना चाहें उनको आप बिगाड़, तो विकास 10-15-20% से अधिक नहीं होगी और एनडीए को किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मैं मान रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि कोई भी मीडिया किसी के प्रभाव में नहीं आता। मैं खुद एक पत्रकार हूं, हमने भी देखा जी न्यूज की, जी न्यूज इनकी रिपोर्टिंग देखेंगे तो या किसी बाकी की बात की, हां जी, हम किसी चैनल की बात नहीं कर रहे, मैं यही बता रहा हूं कि अब सभी चैनल जितने भी हैं सभी का मत एक जैसा है, सभी के रिजल्ट्स एक जैसे हैं, तो कितना कोई प्रभावित हो सकता है किसी से? हर आदमी नहीं हो सकता, लेकिन अपने अपने मत हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर सभी 290 से लेकर 310 तक फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो इतने ही रहेगी और इसके लिए उन्हें किसी बात, मुझे लगता है कि ये अभी भी, मैं इस मत पे हूं, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये सिर्फ हाइप क्रिएट की गई है कि अपोजिशन का जो थर्ड फ्रंट है वो इकट्ठा ना हो पाए ताकि उनको बेटर तरीके से नेगोशिएट करके ये एनडीए में जोड़ दिया जाए। देखिए बाबू नायडू ने जारी रखी है अभी भी, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए जारी है कि ये हाइप इस तरह, क्योंकि मीडिया में विश्वास नहीं रहा, व्यूअरशिप का, कितनी देर से लोगों ने टीवी ही नहीं देखा, अभी कितनी देर से लोग यूट्यूब पे न्यूज देख रहे हैं, आपका चैनल है वो ज्यादा फॉलो हो रहा है, आप देखते हो विकास जी तो वो कहते हैं कि हम यूट्यूब वाला देख लेंगे लेकिन टीवी वाला नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पे अब जम्मू कश्मीर की बात, अगर सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर पे कहूं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यहां 3 सीट्स मिली थी, इस बार उम्मीद 3 की ही है, लेकिन बातें ये भी आ रही है कि जो श्रीनगर की सीट है उसमें भी जो अधिक मत गए हैं, हालांकि वहां 14% ही वोटिंग हुई है, लेकिन उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके फेवर में ज्यादा मत गए हैं। ये हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर है और हमेशा जो हमारा कश्मीर में सोर्सेज हैं उन्होंने आज तक कभी उनकी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं गई, और अगर ऐसा होता है तो इससे भी आप चमत्कार मानेंगे कि श्रीनगर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले गया, हालांकि रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो 4 सीट इस बार भी है, अगर ऐसा होता है तो ये चमत्कार आप देश भर में भी अपेक्षा कर सकते हैं। मैं जो एग्जिट पोल है सबकी भाषा इस बार एक है, एक्सेप्ट चाणक्य जो बोल रहे हैं वो 340 बता रहे हैं, मैं मुझे ये लगता है इवन इफ फॉर दैट मैटर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ही फॉर्म करती है तो आप एनडीए को दे रहे हो जो सीट्स दे रहे हैं वो आप एनडीए को दे रहे हैं, दैट मींस बीजेपी उतनी मजबूती से दावेदार नहीं रहेगी जितनी मजबूती से वो थी, अगर वही आएंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें बाकी अदर्स की जो भूमिका जो है एनडीए के कुछ पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, उस तरह आप समझ रहे हो कि वो जोड़ के बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी उतने बहुमत के साथ नहीं आएगी। तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ थर्ड फ्रंट के लोग भी टूट के बीजेपी के साथ, या जो मैं कह रहा हूं ये क्या पता हाई बीसी ने क्रिएट की है, यही तो कह रहा हूं मैं, इसमें बताता हूं कि अगर उनके अगर एनडीए को कम सीटें मिलती हैं तो
तो ये नौबत तब आएगी कि थर्ड फ्रंट को भी तोड़ के अपनी साथ, उन्होंने तो हमेशा पिछली बार भी यही कहा था कि जो उनके साथ जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, लेकिन कंडीशनल होगी ना तब, पहले जुड़ने में और बाद में जुड़ने में बहुत अंतर है। इसीलिए क्रिएट की गई है कि पहले जुड़ जाओ। हो सकता है आप सही हो, क्योंकि आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा, हमने सिर्फ पत्रकारिता देखी है, लेकिन जिस तरह आज आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गोदी मीडिया या मोदी मीडिया है, सारे एक भाषा बोलते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है, इनमें से देखो थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंसेस में कि पक्षपात होता है, लेकिन जब सारे एक भाषा बोल रहे हो तो फ्लक्चुएशन मैं मान सकता हूं कि 10-15% की होगी, और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी या नेशनल मुझे यही बताएं, सातवें चरण से पहले, लास्ट फेज से पहले हम सभी यही मान के चल रहे थे कि थर्ड फ्रंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और देखो भी क्या होगा बात, कौन सा किधर जाएगा, कैसे किधर हो जाएगी बात, बीजू पटनायक जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी की उनकी तारीफ करना, फिर उसके बाद थोड़ा सा नरम रवैया मायावती जी के लिए दिखाना, तो ये चीजें उस वक्त यही चल रहा था कि इन चीजों की, इन इन लोगों की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी महसूस किया। बाकी देश का दुर्भाग्य कहिए कि इस बार अपोजिशन स्ट्रांग थी ही नहीं, कोई लीडर जो प्रधानमंत्री पद के लिए, लोग जब लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, एक आम आदमी की सोच होती है कि मैंने प्रधानमंत्री चुनना है, मुझे अपना राज्य का या अपने एरिया का नेता नहीं चुनना, उन्होंने उनका वोट है वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो इस समय मोदी जैसा सक्षम लीडर देश में नहीं था जो एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार सही लोक में, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, उनको नहीं लगा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर तरन जी मैं इन्हीं की बात को लेकर चलूं, जिस तरह कह रहे हैं कि मोदी इस समय एक लीडर, सिंस सीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो आप इसे बताया कि ममता बनर्जी उसमें एक लीडर, एक अच्छी लीडर है, ऑनेस्टी है, तो थर्ड फ्रंट उन्हें किसी एक को अपना लीडर क्यों नहीं बताता, ताकि लोग अपना मन बना सके कि हम आने वाले दिनों में, शायद आने वाले दिनों में शायद ये आ जाएगा, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टफुल लीडर हैं, हम उसमें डिनाई नहीं करते हैं, किसी को पॉलिटिकल मतभेद किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन सिंस ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज ऑफ नाउ, अभी तक वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और आगे क्या होगा ये 23 तारीख के बाद असलियत सामने आएगी, कौन उभर के सामने आएगा। अब एक एक बात और आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि आरएसएस में एक मीटिंग नागपुर में ये होने जा रही थी कि जो इस वक्त बाजार जैसे गर्म है, उनमें एक ये भी बात थी कि नितिन के लोगों का ये मानना था कि नितिन गडकरी जी का नाम उभर के आ रहा है सामने, कि अगर मोदी जी के ऊपर नहीं आती तो उस मीटिंग को क्रश करने के लिए, उस सोच को क्रश करने के लिए भी ये हाइप दी गई मीडिया में कि किसी और का नाम ही डिस्कस ना हो, सो दैट एक ही आदमी आगे रहे, ताकि इस वक्त आज बीजेपी देखें तो बीजेपी नहीं है, ये मोदी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी नहीं है, ये मोदी पार्टी है। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि मोदी पार्टी है, आम आदमी ने भी अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उनका वोट ज्यादातर मोदी को, मोदी के पार्टी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सोचना कि मोदी के अलावा किसी दूसरे इंसान को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार, क्योंकि जैसे पहले बात उभर के आ रही थी कि थर्ड फ्रंट तब सपोर्ट करेगा, कंडीशनल सपोर्ट करेगा कि भाई हमें इसकी जगह ये चाहिए, तो इसके लिए वो एक सेकंड लाइन उन्हीं के खेमे से उभर के आ रही थी, नितिन गडकरी का नाम आपने तो सुना ना कितना, कि भी एक प्रधानमंत्री दावेदार हैं। संक्षेप में बात करें, वापस अपने मुद्दे पे आए, तो यही कहा जा सकता है आपके मुताबिक यही है कि जितने भी ये एग्जिट पोल हैं इनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम ये जैसे बाहर होता है कि सवेरे इलेक्शन होती है शाम को रिजल्ट निकल जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन पूरा इलेक्शन हो, सारा इकट्ठा देश में एक इलेक्शन हो और दूसरे दिन रिजल्ट निकल जाए, ताकि ये सारी चीजें बंद हो जाएं, ताकि एक हम यूनिफॉर्मिटी में आ सकें। आज दिन तक टीएन सेशन गिल साहब के बाद निष्पक्षता जो है, इस बार जो इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है, ये इन इसके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो मोदी जी के ऊपर एक मूवी आ रही थी उसको भी चुनाव आयोग ने ही रोका था जी। अगर आप वो पक्षपात करते तो वो उसको भी जारी कर सकते थे चुनाव से पहले, 6 तारीख को उसका रिलीज डेट था,
8 को चुनाव होने थे लेकिन उन्होंने उस पर रोक लगाई। कोर्ट से भी डायरेक्शन नहीं, कोर्ट से अभी डायरेक्शन नहीं आई थी, उससे पहले चुनाव आयोग ने बोल दिया था ये रिलीज नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। कुछ मुद्दे हो सकते हैं वो आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग पे एक प्रश्न चिन्ह लगाना अपने आप में ही मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। अभी तो सामने नजर आ रहा है, आपने बंगाल में देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की दो रैलियों को अकोमोडेट करने के लिए 10 बजे तक रख दिया टाइम, और दूसरी तरफ ये पूरी अपोजिशन एक बार एक तरफ होकर चीख रही है कि ये दिस इज नॉट फेयर। फिर आप कैसे कह सकते हो कि उनकी निष्पक्षता के ऊपर संदेह नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें निष्पक्षता की उन्होंने कहीं नजर नहीं आया। फिलहाल हम आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। जिस तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी भी एग्जिट पोल पे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या वो सटीक बैठते हैं नहीं। अगर तरनजीत जी की बात मानी जाए तो वोट्स पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ज्योति जी का यही कहना है कि 10-15% का हेरफेर हो सकता है। फिलहाल ये बहुत बड़ा, ये 10-15% जो ये कह रहे हैं या 20% तक, ये बहुत बड़ा हेरफेर हो जाएगा इसमें जी। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा, या 23 तारीख को ही आपको शाम को पता चल पाएगा कि क्या हो गए नतीजे इस चुनाव के। तब तक देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार। नमस्कार जी।